आइए अब हम देखते हैं कि किस तरह से आड़ी तरतीब में दी हुई मिसालों को हम खड़ी तरतीब में लिखकर ज़र्ब कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 6 और 14 को ज़र्ब करना है। तो सबसे पहले हम इस तरह का एक खाका तैयार कर लेते हैं। इस खाके में हम इकाई और दहाई लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा इकाई और यहाँ आ जाएगा दहाई। अब 14 में क्या इकाई है और क्या दहाई है? 14 में 4 इकाई है और 1 दहाई है। तो हम उस तरह से 4 को इकाई के मुकाम पर और 1 को दहाई के मुकाम पर लिख लेंगे। ठीक है, ज़र्ब किससे करना है? 6 से ज़र्ब करना है। तो 6 को यहाँ पर लिख लेंगे और अब हम इनकी करते हैं ज़र्ब। तो ज़र्ब करते वक्त सबसे पहले हम 6 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 का हम 4 गुना करेंगे या फिर 4 मरतबा करेंगे। 6 चौक कितना होता है? 24। लेकिन ये 24 क्या हो गया यहाँ पर? ये 24 हो गई हमारी इकाइयाँ। हमको मालूम है कि हम इकाई का मुकाम ज़्यादा से ज़्यादा 9 तक ही लिखते हैं, फिर आप 24 का क्या करेंगे? ये भी तरीका हमने देख रखा है। हमें पता है कि 24 इकाइयों में कितनी कितनी इकाइयाँ होती हैं? 20 इकाइयाँ और 4 इकाइयाँ। अब फिर से हम जानते हैं कि 20 इकाइयाँ यानी 2 दहाई और ये 4 इकाई। अब ये क्या आ गया? दहाई के मुकाम पर आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं? ये जो 2 दहाई है इसको यहाँ पर हासिल में दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? 4 इकाई को यहाँ पर रखेंगे और ये जो 2 दहाई है इसको हम दे देते हैं यहाँ पर हासिल में। तो ये 2 क्या आ गया यहाँ पर? हासिल में आ गया। ठीक है, यानी कि 6 और 4 का जब हमने ज़र्ब किया तो वो 24 इकाइयाँ आई, जो कि हम इकाई के मुकाम पर रख नहीं सकते थे, तो हमने उसको यहाँ पर हिस्सों में बांट दिया उनके मुकामी खिमात के हिसाब से। तो क्या आया? ये 20 इकाइयाँ और 4 इकाइयाँ। लेकिन हम जानते हैं 20 इकाई यानी 2 दहाई। तो हम क्या करेंगे? इस 2 दहाई को बाजू वाले मुकाम में हासिल दे देते हैं। तो यहाँ पे रह गया सिर्फ 4 और ये 2 दहाई कहाँ चले गए? हासिल में। अब 6 और 1 का ज़र्ब कीजिए। 6 और 1 दहाई का ज़र्ब, 6 का 6 और ये 2 दहाई मिला के कितना हो गया? 6 और 2 8, यानी 14 और 6 का ज़र्ब कितना होता है? 84। जवाब आ गया हमारा 84। तो इस तरह से हमने यहाँ पर खड़ी तरतीब में लिख कर भी ज़र्ब कर ली और यहाँ पर साथ ही साथ हमने हासिल वाली ज़र्ब भी कर ली।